हेलो दोस्तों, पहला प्रणाम, जय उत्तराखंड। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है पहाड़ी भाई पीलो चाय। दोस्तों, उम्मीद है आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहता हूँ। काफ़ी अच्छा लगता है जब आप लोग जैसे सपोर्ट करते हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। और बहुत सारे यूट्यूबरों में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि यूट्यूब पे काम करते हैं पर उनको सक्सेस नहीं मिल पाती है, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको आप लोगों का आशीर्वाद मिल जाता है। और उन्हीं में से एक मैं भी हूँ जिसके साथ आप जैसी पब्लिक है। एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, मेहनत पूरी करनी चाहिए, ना कि कॉपी पेस्ट करो किसी का वीडियो, खुद बनाओ। आपकी मेहनत एक दिन कामयाब होती है। मैं भी जब मैंने यूट्यूब खोलने का विचार सोचा तो हमें उतना पता नहीं था कि थंबनेल क्या होता है, डिस्क्रिप्शन क्या होता है, टैग क्या होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो उसमें लगानी पड़ती हैं। तो शुरू में खोला तो ऐसी वीडियो अपलोड की। धीरे धीरे जब आपकी रुचि होती है किसी चीज़ में, तो आप उस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, उसकी चीज़ के बारे में एनालाइज़ करते हैं। तो जब मैंने उस चीज़ के बारे में पता किया कि लोग क्या देखना चाह रहे हैं, किस चीज़ पे मेरे व्यू ज़्यादा आ रहे हैं, सजेशन में कौन सी वीडियो जा रही है, मेरी वीडियो यूट्यूब सर्च में कौन सी आ रही है, तो मैंने फिर उस चीज़ पे फोकस करना स्टार्ट किया। तो आप लोगों का ही एक सपोर्ट है जो कि मैं आज इस पद पे हूँ। पद का मतलब है कि जिस रास्ते पे आज हूँ, जहाँ भी जाता हूँ, लोग बोलते हैं कि पहाड़ी भाई आ गया। तो दोस्तों, काफ़ी गर्व होता है। ये सिर्फ आप लोगों का प्यार है, मैं तो कुछ नहीं हूँ, एक छोटे से पहाड़ से एक छोटा लड़का ही हूँ, पर सोशल मीडिया में इतनी ताकत होती है कि आप जैसे लोग अगर किसी को मिल जाएं तो फर्श से अर्श पर ले जाने में टाइम नहीं लगेगा। तो दोस्तों, मुझे एक खुशी मिली आज जब मैंने अपना YouTube स्टूडियो खोला, तो उसमें मुझे एक मैसेज आया था YouTube की तरफ से कि आपके एक वीडियो में 64% से अधिक बार देखा गया है, और आपके उस वीडियो के कारण मतलब आपके बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, आप लगे रहो, आपकी मेहनत कामयाब होगी। तो मैं वो स्क्रीनशॉट आपको भेजता हूँ, बगल में आप देख लेना उसका मतलब क्या है। तो काफ़ी अच्छा लगता है कि चलो, जब मैं दूसरों के YouTube पे सर्च मारता था, वीडियो देखता था, तो वो बताते थे कि हमारे पास ऐसा मेल आया है, हमारे स्टूडियो में ऐसा आया, तो मैं भी सोचता था कि मेरा कभी आएगा, तो बहुत मुश्किल लगता था। पर अब जब मेरा एक वीडियो ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो ये सब आपका प्यार है। मैं तो सिर्फ एक वीडियो बनाता रहा, मुझे नहीं था पता कौन सा वीडियो चलेगा, क्या चलेगा। हाँ, यह ज़रूर है कि आप मेहनत करोगे तो मेहनत एक दिन कामयाब होती है। और सोशल मीडिया जो होती है, जो YouTube है, उसका एल्गोरिदम बड़ा ख़तरनाक होता है। ख़तरनाक मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि आप आज वीडियो अपलोड करो और कल वायरल हो जाए, नहीं। आप आज वीडियो अपलोड करो, 6 महीने में, 1 साल में भी वायरल हो सकता है। आप आजकल देख ही रहे हैं बचपन का प्यार और वो मंगे हिते जो गाने हैं, श्रीलंका गाना है वो, तो मतलब ये गाने 2-2, 4-4 महीने पहले रिलीज़ हुए थे या किसी ने गाए थे, पर अब जाके हिट हुए। इसका रीज़न क्या है? सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में कोई भी चीज़ आसानी से ट्रेंड नहीं कर सकती है। आप मेहनत करो, किस्मत आपका भी साथ देगी। बस अपनी मेहनत को मत छोड़ो, किसी की नकल करना मत करो स्टार्ट, अपनी मेहनत करो, और एक ना एक दिन आपकी मेहनत कामयाब होगी। और मुझे काफ़ी अच्छा लगा जब मैंने अपना वो पढ़ा, और अब मैं अपना पूरा फोकस यूट्यूब पर करता हूँ। सच बताऊँ तो मैं जब रात को सो जाता हूँ, तो सुबह अगर 4 बजे उठूँगा तो पहले वीडियो एडिट करता हूँ, उसमें टैग देखता हूँ, डिस्क्रिप्शन देखता हूँ, टाइटल लगाता हूँ, थंबनेल बनाता हूँ, बहुत सारी चीज़ें होती है। माना मैं अभी छोटे लेवल पे कर रहा हूँ, पर रियल बताऊँ तो उस छोटे लेवल को करने में भी 3-4 घंटे लग जाते हैं अगर ढंग से मैं करूँ। तो आप लोगों का ये प्यार है, धीरे धीरे आप लोगों की दुआ रहेगी तो मैं आगे भी अब कैमरा लाऊँगा अच्छा। और बाकी पहाड़ तो आप देख ही रहे हैं, ये पहाड़ नहीं, ये मेरा स्वर्ग है। और जिन्होंने इस पहाड़ में जन्म लिया, वो ये सोचो कि उन्होंने स्वर्ग में जन्म लिया है, और भगवान करे अगला जन्म भी इसी पहाड़ में हो। तो दोस्तों, एक बार आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। एक पहाड़ी भाई हूँ, गढ़वाली हूँ, गढ़वाली बोल दूँ भी मैं, पर गढ़वाली माँ मैं यहाँ से कम बुला दूँ कि आप लोग समझ जाओ हिंदी माँ, क्योंकि अक्सर हिंदी माँ लोग समझदार। तो एक बार जब मेरा चैनल चली जाऊँ तो वह के बाद मैंने गढ़वाली माँ भी बनाना स्टार्ट कर, और एक है कुछ चैनल बनाऊँ गढ़वाली माँ, अपनी मातृभाषा, अपना उत्तराखंड से बहुत अगले ले जाना को मेरा प्रयास समय, और वो तभी वह समझूँ जब आप लोग मेरा साथ दिला। तो मेरा के अगला ब्लॉग में खाली मेरे यू बताने का मकसद है कि आज मैं इतने YouTube भी टेक मैसेज आई,
जीमेल बीटी मतलब यूट्यूब का जीमेल बीटी में एक मैसेज आए कि तुम्हारू इंप्रेशन बहुत अच्छा होनो, तुम लग्या रहो काम पर, तुम्हारी मेहनत सफल हो जाली। तो दगड़ियों धन्यवाद, आपने ये पहाड़ी भाई थे वह मकाम पर ले जाना, यह मकाम पर भी मेरा सपना थे ये जन्म में खास कर। ठीक है, आप लोगों को परिवार में राज खुश रहो, आप लोग अपना भाई थे सपोर्ट करा, आगे ले जाने की कोशिश करा। धन्यवाद, जय हिंद, जय उत्तराखंड।